बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा जीनियस बनना चाहिए, है होशियार मगर उसको मार्क नहीं मिलते, है होशियार मगर वो मतलब बड़ा भी बन सकता है मगर वो करता नहीं। मैं ये बोलता हूँ उनको कि आप उसके ऊपर क्या सजेशंस दे रहे, उसको क्या सजेशंस दे रहे, उसके ऊपर क्या संस्कार कर रहे, वो महत्व का है। एक कहानी आपको बताता हूँ मैं। एक बच्चा 8-9 साल का, उसको स्कूल से एक चिट्ठी दी, बोले अपने जाके मम्मी को बता दो। वो चिट्ठी लेके वो घर पे आ गया, मम्मी को बताया, मम्मी का चेहरा एकदम उतर गया। बच्चे ने मम्मी को पूछा कि मास्टर जी ने क्या लिखा है चिट्ठी में। मम्मी ने एकदम खुद को संभाल लिया और बोला कि मास्टर जी ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है और उसको हम पढ़ा सकते नहीं, आप इसको घर में ही पढ़ाओ, तभी मैं तुमको घर में ही पढ़ाऊंगी। और उसको मम्मी ने घर में पढ़ाना चालू किया। वही बच्चा बड़ा होके थॉमस अल्वा एडिसन बना, जिसके नाम के 1039 पेटेंट्स है और कितने सारे उन्होंने आविष्कार किए हुए हैं। जब मम्मी का उनके देहांत हो गया, थॉमस अल्वा एडिसन का, तो सब पुराने सब चीज़ें निकाल रहे थे, तो उसमें वो पैकेट मिला जिसमें वो चिट्ठी आई थी मास्टर जी ने दी हुई। तो उन्होंने वो खोल के देखी तो चिट्ठी में लिखा था कि आपके बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है, हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम स्कूल से निकाल रहे हैं। देखो मम्मी ने क्या पढ़ा और क्या लिखा था, जो लिखा था वो अलग था। मम्मी ने उसको बताया कि आपका बच्चा जीनियस है इसलिए आप उसको घर में पढ़ाओ, हम जीनियस बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। वो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सजेशन बच्चे में, यदि वो बच्चों को बोलती थी कि तुमको लर्निंग डिसऑर्डर है इसलिए तुमको निकाल दिया, तो उसका असर क्या पड़ता था। तो हरदम पॉजिटिव सजेशन बच्चों को दो। बच्चे 24 घंटे हिप्नोटाइज अवस्था में रहते हैं, सजेस्टिबल रहते हैं। आप उनके आप जितना पॉजिटिव सजेशन देंगे, जितने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उतना दिमाग में वो सीधा जाके घुस जाता है। शिवाजी महाराज की मदर माँ जिजाऊ, तो वो शिवाजी महाराज को बोलती थी राजे इधर आइए, राजे बैठिए। जब शिवाजी महाराज छोटा था, 5 साल का, तो 5 साल का बच्चे को राजे आइए, राजे बैठिए, राजे ये करो, मतलब तब उसको ऐसा सुनती थी कि राजा बनने वाला, बहुत बड़ा बनने वाला। हम बच्चों को बोलते हैं अक्कल नहीं है, मूर्ख नालायक, इधर आ तो गुस्सा करता है, उधर मत जा गिर जाएगा, तेरे को इतनी अक्ल नहीं गया, ये सजेशन हम बच्चों को देते रहते हैं। बच्चों को हरदम पॉजिटिव सजेशन दिया करो। नंबर दो, बच्चों की कमियां जो है उसके ऊपर ख्याल मत दो, उनकी खूबियां पहचानो, खूबियां निखारो। जो जो वीकनेस है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है, उसके ऊपर उसको बोलना नहीं, उसके ऊपर डांटना नहीं, उसके ऊपर उसको कम बताना नहीं है। जो अच्छी खूबियां हैं उसको कैसे डेवलप कर सकेंगे वो देखो। उसको ड्राइंग आता नहीं है और ड्राइंग में अच्छा नहीं है तो ठीक है, छोड़ दो उसको ड्राइंग को। जरूरी थोड़ी कि उसने ड्राइंग टीचर बनना चाहिए या उसने अच्छे अच्छे चित्र निकालना चाहिए। यदि सचिन तेंदुलकर की माँ उसको बोलती थी नहीं तो पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता था। उसको खेल में रुचि थी, पढ़ाई में इतना ज़्यादा होशियार नहीं था, तो ठीक है पढ़ाई में वो कम है तो चलो बाजी रखो, खेल में अच्छा है तो चलो उसकी खूबियाँ जो उसको निखार लिया, और कमियां जो है पढ़ाई की उसके ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। यही बात सभी जो बड़े बड़े महान कलाकार स्पोर्ट्समैन बन गए उनके बारे में है कि उन्होंने कभी अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको वो नहीं था, उनका वीकनेस था। तो हरदम कमियों के ऊपर ध्यान दे दो, खूबियां पहचानो, नंबर दो। और नंबर तीन, जो भी बच्चों को सिखाना है आप उसको उपदेश के इसमें सिखाएंगे, एडवाइस देना है उसमें सिखाएंगे, तो वो रेजिस्ट करता है, सुनता नहीं। तो जो भी आपको बताने का बच्चों को कहानी के रूप में बताओ, जो भी सिखाना है कहानी के रूप में सिखाओ, फटाक से अंदर चले जाता है। तो किसको भी बताना है वैसा भी, तभी आप कहानी के रूप में किसको भी एडवाइस देते हो, आप बच्चों को तो पक्का करना है। अकबर बीरबल की कहानी सुना सकते हैं, पंचतंत्र की है, महाभारत रामायण है ना उसकी है, तो अलग अलग कहानी आप सुना के बच्चों को अलग अलग उसको ज्ञान दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, वो जल्दी अंदर घुस जाता है। तो ये बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत जीनियस हो जाएगा, और हर एक को अपना बच्चा जीनियस करना है, इसलिए हर एक माता पिता को वीडियो आप शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।